मध्य प्रदेश के कोविड चिकित्सक पैरामेडिकल साथी स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियंस फार्मासिस्ट अन्य सभी साथियों के द्वारा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल के 4 इमली स्थित निवास में सौजन्य भेंट करके अपनी एक सूत्री मांग का एक ज्ञापन माननीय मंत्री को सौंपा गया। एक सूत्री मांग, कोविड काल के दौरान लगातार 2 वर्षों तक लोगों की सेवा और इलाज करने वाले अस्थायी कोविड चिकित्सक पैरामेडिकल साथी स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियंस फार्मासिस्ट अन्य सभी कर्मचारी जिन्हें सरकार के द्वारा बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया था, उन सभी कर्मचारियों को प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के हजारों रिक्त पदों में संविदा संविलियन किया जाए, जैसा देश के हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लगभग प्रदेश के 200 से अधिक कोविड चिकित्सक पैरामेडिकल साथी स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियंस फार्मासिस्ट अन्य सभी साथियों उपस्थित रहेंगे। हाँ, तो उनके ज्ञापन ले रहे हैं, ले लेंगे। सर, दमोह में 15 दिन में 5 प्रेग्नेंट महिलाओं की मौत हो जाती है, जिसको कहा जाता है कि किसी इन्फेक्शन के कारण हुई, लेकिन जांच में अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकला। क्या कारण है कि उनके उनकी मौत को लेकर कुछ डिसीजन हो? वो जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या कारण है, हम पता करते हैं। सर, क्षय रोग में विदिशा में भी और झाबुआ और रतलाम में भी क्षय रोग का जो बीमारी को लेकर काफी सारे भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहे थे, कई बार सब खबरें भी छपी है, कई बिल निकल गए हैं, लेकिन क्षय रोग को लेकर भी जाँच ऐसी बैठी नहीं। नहीं, जब भी कोई इस प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आती है तो कड़ी कार्रवाई होती है, रूटीन प्रक्रिया है। डॉक्टर शशांक मणि शर्मा, आयुष चिकित्सक, रीवा से हूँ मैं। जी, आज आए थे आप लोग? जी हाँ, आज हमारे प्रदेश से माने पूरे प्रदेश से हजारों हजार की संख्या में हमारे आयुष चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, सपोर्ट स्टाफ, सफाई कर्मचारी, जिनको कोविड के समय जिन्होंने काम किया था, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने परिवार से दूर रह करके 24/7 काम किया था, उनको 2 साल सेवाओं को करवाने के बाद उनकी सेवाओं को ख़त्म कर दिया गया और उनको बेरोजगार कर दिया गया था बजट का हवाला देकर के। उसी संबंध में आज हम सब उप मुख्यमंत्री जी से ये मांग करने के लिए आए थे कि हम सभी की जो सेवाएं हैं उसको सुचारू रूप से फिर से बहाल कर दी जाए, जिस तरह से भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में जो जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब सरकार है, वहाँ पर हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कई सब वहाँ पर कंटिन्यू सर्विसेज हैं और उनको फिर से माने संविदा में सम्मिलन कर नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है, वो प्रचलन में। और उसी तरह की हमारी मध्य प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है, माननीय लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी से, कि वो हमारी मांग को पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो मांग को फिर क्या करेंगे? निवेदन ही कर सकते हम इससे ज्यादा क्या आंदोलन? नहीं, हम हमें आश्वासन क्या दिया उन्होंने? जी, अभी परम सम्मानी उप मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन और भरोसा दिया है कि हम आपके लिए ही आज यहाँ पे आए थे और हम आपका जरूर करेंगे, और हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी मांगे उनके द्वारा पूरी की जाएंगी। हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे।